गाइस, सो आज हम बात करेंगे राइटिंग टास्क वन के बारे में। आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट थी कि मैम जितनी भी राइटिंग की टाइप होती हैं तो एक बार एक एक करके टाइप जो है सारे करवा दो। सो बेसिकली आज मैं टास्क वन के एक टाइप आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं बोलती हूँ कि कैसे इंट्रो पार्ट, ओवरव्यू, कैसे BP1 BP2 में कनेक्टर्स वगैरह और कैसे वेरिएशंस करनी है टास्क में, तो वो सारा ब्रीफली बताऊंगी। आज जो मैं एक टॉपिक लूंगी उसके बारे में, जो भी एक टाइप लूंगी, 7 टाइप्स होती हैं, तो एक टाइप में आज यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो वैसे बेसिकली वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, सो मैं नोटबुक पे सारा टास्क लिखूंगी और वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारे का सारा समझाऊंगी, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं कि आप वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखो, वो भी ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करके। सो आपका भी टाइम सेव हो सके इसलिए मैं वीडियो जो है नोटबुक पे बना रही हूँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज हम बात करेंगे वर्टिकल बार ग्राफ के बारे में। जैसे आपको पता है कि एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ होता है, एक वर्टिकल, तो बेसिकली आज मैं वर्टिकल बार ग्राफ के बारे में बात करने वाली हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूंगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ इस वीडियो के साथ आपकी राइटिंग में बहुत हेल्प होने वाली है। बिकॉज इन दिस चैनल यू विल गेट द वेरिएशन ऑफ टास्क वन, ठीक है? तो बेसिकली टास्क वन वेरिएशन पे बेस्ड होता है, तो वो सारा मैं ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करूँगी। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द ग्राफ बिलो शोज इन्फॉर्मेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट रेट अक्रॉस 6 कंट्रीज इन 1995 एंड 2005। जो ग्राफ नीचे गिवन है ये शो कर रहा है एम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब कि जितने बंदों को जहाँ बोल सकते हो मैन एंड वुमेन जितने भी हैं उनका एम्प्लॉयमेंट रेट के कितने जॉब करते हैं 6 कंट्रीज में, किस किस ईयर में, 1995 एंड 2005। देन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ 1995 ईयर और 2005 सिर्फ 2 ईयर मेंशन है। यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 1995 से लेके 2005 तक, क्योंकि इसके टाइम पीरियड के बिटवीन चेंजेस आ सकते हैं, बट बेसिकली जो डाटा गिवन होगा वो आपका सिर्फ 2 ईयर्स का डाटा गिवन है, एक 95 का एक और 5 का। देन जो हमारे यहाँ पे गिवन है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, एक साइड पे आपको परसेंटेज गिवन है, देन नीचे कंट्रीज गिवन है ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, UK, न्यूजीलैंड एंड USA, और साइड में उन्होंने बताया है कि जो फर्स्ट लाइन है वो है मेल की 1995 में, सेकंड लाइन है 2005 की जो भी मेल की है, थर्ड लाइन जो है वो फीमेल की है 1995 में, और फोर्थ लाइन जो है वो 2005 की फीमेल्स की है। तो अपने आइडिया के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये मेल की है दोनों फर्स्ट लाइन और सेकंड दोनों फीमेल की है, तो ये कंपैरिजन है। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे गिवन क्या क्या है। अब यहाँ पे एक तो रेशियो गिवन है, ठीक है, सेकेंड चीज़ हमारे पास यहाँ पे कंट्रीज गिवन है, थर्ड हमें मैन एंड वुमेन के बारे में बात करनी है यहाँ पे, एंड द फोर्थ वन इज़ यहाँ पे ईयर मेंशन है, कहने का मतलब कि 2 ईयर मेंशन है, जैसे 1995 और 2005। तो पहले हम बात करते हैं कि हम लोग इसके इंट्रोडक्शन जो ऊपर गिवन है उसको कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं। दिस इज़ आर फर्स्ट स्टेप, पहले हम लोगों ने रिफ्रेश करना होता है। सो चलिए देखते हैं कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं। The rendered vertical bar graph depicts the information related to the proportion of working men and women in six nations over 2 years, that are 1995 and 2005. Rendered का मतलब होता है given. जो ये vertical bar graph given है ये depict करता है, depict होता है show. अब यहाँ पे words कौन से लिख सकते हो depict की जगह पे? Delineate, reveals, illustrates, demonstrates, ये सारे वर्ड्स जो हैं यहाँ पे आप लिख सकते हो। एक बात का बच्चे ध्यान रखिएगा, जैसे बार ग्राफ एक गिवन है तो मैंने डिपिक्ट के साथ ऐसा लगाया है, वैसे शो के साथ लगेगा, डेलिनेट के साथ लगेगा। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा आपके पास ग्राफ गिवन होते देन यहाँ पे ग्राफ्स आ जाना था और यहाँ पे डिपिक्ट के साथ एस नहीं लगना था। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है मिस्टेक करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये है कि गिवन जो वर्टिकल बार ग्राफ है इन्फॉर्मेशन शो करता है जो कि प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब होता है जो हमारे परसेंटेज गिवन है। अब प्रपोर्शन को क्या क्या बोल सकते हो? प्रपोर्शन को आप बोल सकते हो शेयर, फिगर, परसेंटेज, ठीक है? तो ये 4 वर्ड्स आप बोल सकते हो।
जैसे होता है रेशियो, परसेंटम वगैरह, वो आप मत यूज़ कीजिए। वो वर्ड्स जहाँ पे इनफॉर्मल रहते हैं तो वो आप नहीं यूज़ करेंगे। देन प्रपोर्शन किसकी दी है? मैन एंड वुमेन की। मैन एंड वेमेन बोल सकते हो, मेल्स एंड फीमेल्स बोल सकते हो, मैन एंड देयर काउंटर पार्ट्स बोल सकते हो, मेल एंड देयर काउंटर पार्ट्स बोल सकते हो। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट तरह से आप ये वर्ड बोल सकते हो। सिक्स नेशन की बात की गई है और 2 ईयर्स में बात की है। कौन से 2 ईयर्स? 1995 और 2005। अब यहाँ पे आपने देखा होगा हम लोगों ने आर यूज़ किया है, यहाँ पे एस यूज़ किया, जबकि ये पास्ट की बात की है। बट जो इंट्रोडक्शन देनी है वो टोटली प्रेजेंट में रहती है। कीप इट इन योर माइंड, वहाँ पे आपने जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन बनानी है तो इंट्रोडक्शन में आप जो है वो प्रेजेंट में ही बताओगे, क्योंकि आपने इंट्रोड्यूस करना है कि ये टॉपिक है क्या एक्चुअल में। देन आते हैं हम इसके ओवरव्यू में। चलिए पहले हम ग्राफ पे जाके देखते हैं कि क्या इसका ओवरव्यू हो सकता है। सो अगर हम ग्राफ पे देखें तो जो मेल है हर ईयर में वो फीमेल से हमेशा ही अप रहे हैं। जैसे कहीं पे भी देख लो, चाहे आइसलैंड की बात कर लो, तो हर बार मेल की परसेंटेज जो है वो हमेशा अप ही रही है अगर फीमेल के कंपैरिजन। एक तो हमारा ये ओवरव्यू हो जाएगा कि जो मेल हैं वो हर बार ज़्यादा रहे हैं। एक ओवरव्यू इसका ये हो सकता है, अगर आपने देखा हो तो फर्स्ट लाइन जैसे 1995 की है, सेकेंड लाइन 2005 की है। फीमेल की भी ऐसे पहली लाइन जो है वो 1995 की, सेकंड जो है वो 2005 की। तो अगर आप देखें हर बार 2005 का जो फिगर है, जो लाइन है, वो हर बार अप रहा है। तो हम लोग एक इसका ओवरव्यू ये भी बोल सकते हैं कि अगर टाइम पीरियड के साथ साथ जो है वो हमेशा ही जो लाइक उनका परसेंटेज था वो हमेशा अप गया है, जैसे मेल का जितना था उससे ज़्यादा गया है, फीमेल का जितना था हमेशा ही अप रहा है। तो ऐसा भी बोल सकते हो कि वहाँ जो इंक्लाइनेशन है वो देखने को मिली है। सो जो इसके ओवरव्यू दोनों हो सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जो हमारा ओवरव्यू रहेगा वो होगा इन एन ओवरव्यू, हम लोग ये इनिशिएटिव यूज़ करते हैं। इट इज़ एविडेंट दैट, इट इज़ एविडेंट दैट की जगह पे आप बोल सकते हो इट इज़ क्रिस्टल क्लियर दैट, क्रिस्टल क्लियर दैट, और आप बोल सकते हो इट इज़ विविडली सीन दैट, और जहाँ बोल सकते हो इट इज़ विविडली विजिबल दैट। तो कुछ भी इन चारों लाइन में से आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं कि ये क्या देखा जा रहा है। देयर वॉज अ राइज इन द शेयर ऑफ पीपल विद जॉब ओवर द टाइम फ्रेम ऑफ द गिवन या मैंशन डेकेड, कि जितना भी टाइम पीरियड वहाँ पे गिवन था उनमें देखा गया है कि एक राइस आया, राइस का मतलब इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज बोल सकते हो, इंक्लाइन बोल सकते हो, अपसर्ज बोल सकते हो, जो है उसके अलावा आप जो है राइस बोल सकते हो, हाइक बोल सकते हो, जितना भी वहाँ पे राइज आया है वो कहाँ किस में आया है, जॉब के मामले में, परसेंटेज में। शेयर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि शेयर का मतलब होता है परसेंटेज, टाइम के साथ वहाँ पे चेंजेस आए हैं। एक तो हमारा हो गया ये ओवरव्यू। उसके बाद और के साथ आप ये भी ओवरव्यू लिख सकते हो, लाइन ऐसे स्टार्ट होगी इन एन ओवरव्यू, इट इज़ एविडेंट दैट इन ऑल द नेशन, हर नेशन में मोर मैन वर द पार्ट ऑफ वर्कफोर्स, वर्कफोर्स मतलब जॉब, ज़्यादा मैन जो थे वो जॉब का हिस्सा थे, किनके कंपैरिजन में, उनके काउंटर पार्ट के कंपैरिजन में। काउंटर पार्ट होते हैं जैसे यहाँ पे मैन बोला है तो मैन के काउंटर पार्ट होते हैं वुमेन, तो वुमेन की जगह पे आप काउंटर पार्ट्स लिख सकते हो। इन बोथ दीस ईयर्स, ये दोनों जो गिवन ईयर हैं उनमें हमेशा मैन जो है वो ज़्यादा आगे रहे हैं जॉब के मामले में। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा बायोग्राफ होता है उसका फॉर्मेट रहता है पहले इंट्रो, आफ्टर दैट ओवरव्यू होता है, देन उसके बाद होता है BP1, देन होता है BP2। अब बात करते हैं कि वेरिएशन कैसे कर सकते हैं, कैसे लाइन स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक चीज़ यहाँ पे जेंडर गिवन है, सेकंड चीज़ यहाँ पे कंट्री गिवन है, थर्ड इज़ यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, ईयर बताए हुए हैं कि कौन से ईयर में है। जहाँ तो आप एक ईयर लेके उसमें कंपैरिजन कर सकते हो अलग अलग कंट्रीज़ का, मेल और फीमेल्स का। सेकंड जो वेरिएशन कैसे कर सकते हो, आप ले लीजिए एक जेंडर, मान लो मेल की बात कर रहे हो तो मेल का कंपैरिजन करो दोनों ईयर में हर कंट्री के लिए, जहाँ आप ऐसे कर सकते हो कि कोई भी एक कंट्री इनमें से ले लो एंड आफ्टर दैट हर कंट्री में ईयर का एक दूसरे के साथ और जेंडर का एक दूसरे के साथ जो है वो कंपैरिजन कर दो। जो मैंने अभी तीनों वेरिएशंस बताई हैं
वो लाइंस कैसे बन सकती हैं मैं आपको वो रफली पहले बता देती हूँ, आफ्टर दैट हम लोग जाते हैं बीपी वन और बीपी टू में कि कैसे आपने आइडियाज जो है यहाँ पे फ्रेम करने हैं, वेरिएशंस लगा के आपने कैसे जो ये टास्क है इसको एलेबोरेट करना है। तो फर्स्टली आपको बताती हूँ कि वेरिएशंस लाइंस कैसे बना सकते हो। फर्स्ट टाइप टू कमेंस विद, ये हमारा ना जो इनिशिएटर होता है स्टार्ट करने के लिए, टू कमेंस विद द डाटा ऑफ 1995। अब मैं जैसे 1995 का एक ईयर का डाटा लेके चल रही हूँ। 56% ऑफ ऑस्ट्रेलियन मैन वर हैविंग एम्प्लॉयमेंट, वेयर एज इन केस ऑफ वुमेन दिस ईयर वॉज हाफ ऑफ देम। 56% जो ऑस्ट्रेलिया के मैन थे वो एम्प्लॉयड थे, मीन्स वो जॉब करते थे, जबकि अगर मैं वेमेन की बात करूँ तो उनका शेयर, जो शेयर मतलब उनका जो परसेंटेज था वो हाफ था मैन से। अगर मैन का 56 है तो वेमेन का उसके हाफ था। देन आप बोल सकते हो नेक्स्ट टू इट, ये हमारा फिर कनेक्टर लग रहा है। जब भी एक लाइन खत्म करो उसके बाद कनेक्टर जरूरी है। फर्दर मोर, मोर ओवर, इसके अलावा जो आफ्टर दैट, आफ्टर दिस, नेक्स्ट टू इट, इन, जहाँ बोल सकते हैं बिसाइड दिस, तो आप बोल सकते हैं इन स्विट्जरलैंड। देन स्विट्जरलैंड की बात करें, दिस एम्प्लॉयमेंट रेट हैड लेस डिफरेंस इन बोथ जेंडर, जो एम्प्लॉयमेंट रेट में है इसमें बहुत कम डिफरेंस है दोनों जेंडर्स में। द शेयर रेंज बिटवीन, दोनों का जो शेयर है, शेयर मतलब प्रोपोर्शन परसेंटेज, वो किस में रेंज करता है 45 से लेकर 55% तक ही जो डाटा है वो रहा है। हम ऐसे करके इस वेरिएशन के साथ सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। देन आते हैं सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप, जैसे मैं बोल रही थी कि एक जेंडर को लेके, तो टू कमेंस विद द डाटा ऑफ मैन, अगर मैन के साथ डाटा को लिया जाए इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या था, 56% ऑफ देम हैड जॉब इन द फर्स्ट मेंशन ईयर। 56% जो थे वो जॉब कर रहे थे पहले मेंशन ईयर, पहला मेंशन ईयर कौन सा था 1995। एंड आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद ऑब्वियस है कि 1995 की बात हो रही थी, 10 ईयर्स के बाद हो गया 2005, तो आफ्टर 10 ईयर क्या था वो रेट जो था, रेट मतलब प्रोपोर्शन, रोज बाय 13%। रोज का मतलब होता है इंक्रीज होता है, रोज के लिए आप यूज कर सकते हो अपसर्ज्ड, इंक्लाइंड, हाइक्ड, सर्ज्ड, तो ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, इंक्रीज्ड, तो वो इंक्रीज हुआ कितना 13%, जैसे कि पहले 56 था, आफ्टर दैट 13% इंक्रीज हो गया। सिमिलरली होता है कि ऐसे ही, सिमिलरली हम तब वर्ड यूज करते हैं अगर पहले में इंक्रीज हुआ तो दूसरे में भी इंक्रीज हो। सिमिलरली स्विट्जरलैंड में क्या हुआ था, ऑल्सो एन इंक्लाइन, इंक्लाइन मैंने अभी जैसे बताया इसका मतलब होता है बढ़ना, इंक्लाइन नोटिस किया गया था एम्प्लॉयमेंट रेट में इस जेंडर के, जो किस कहां से कहां तक पहुंचा, 65% से पहुंच गया सीधा 78%, तो ऑब्वियस है ये भी रेट जो है 13% बढ़ा है। तो ऐसे करके आप सेकेंड टाइप का जो सेंटेंस है वो बना सकते हो। अब आते हैं थर्ड टाइप, अगर हम लोगों ने एक कंट्री लेनी हो, टू कमेंस विद के साथ आप बोलोगे इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में 56 मैन हैड जॉब इन 1995, 56% की जॉब थी 1995 में, फीमेल एम्प्लॉय रेट उस ईयर में कितना था, हाफ था बिल्कुल उसके, जबकि 10 सालों के बाद मतलब 2005 में ये रेट जो था इंक्लाइन हो गया था 13% के साथ दोनों ही जेंडर में, मतलब मेल का परसेंटेज भी 13% बढ़ा था और फीमेल का परसेंटेज भी 13% बढ़ा था। सो ऐसे करके आप थर्ड टाइप जो है वो कर सकते हो। अब हम बेसिकली बात करते हैं बीपी वन की, हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं कि कैसे जो है वो हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो चलिए मैं पहले आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी कि मैं किस किस कंट्री का किस किस पैराग्राफ में जो है एलेबोरेशन करूंगी। सो जैसे यहाँ पे 6 कंट्रीज हैं, तो हम लोग पहले 3 कंट्रीज का जो है वो एक बीपी में और नेक्स्ट 3 का जो है वो नेक्स्ट बीपी में एलेबोरेशन करेंगे। अब अगर हम परसेंटेज की बात करें तो मेन का जो है 1995 में 56% है, आफ्टर दैट वो हो गया नियर अबाउट 68। ऐसे फीमेल का हम लोग बोल सकते हैं कि पहले कितना था 26%, आफ्टर दैट हो गया 38। सो ऐसे करके हम लोग सभी ये देख सकते हैं, ग्राफ आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको नोटबुक पे नोट करके अच्छे से जो है वो समझ सकते हो। बीपी वन की अगर हम बात करें तो हमारा कनेक्टर होता है टू इनिशिएट विद, टू बिगिन विद भी हो सकता है, टू इम्बार्क ऑन भी हो सकता है और टू इम्बार्क अपॉन भी हो सकता है, यू कैन यूज दिस वन टू। देन टू इनिशिएट विद, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, 56% मैन हैड जॉब इन 1995, देन
एंड फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट इस ईयर में क्या था, हाफ ऑफ दिस वाइल आफ्टर 10 ईयर, जबकि 10 ईयर्स के बाद ये क्या हो गया, दिस रेट इंक्लाइन बाय 13% फॉर बोथ जेंडर. जैसे मैंने पहले लाइन बनाई थी ऑस्ट्रेलिया वाली, तो वह एज इट इज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में 56% रेट जो था वो मेन का था और फीमेल का जो था, फीमेल का जो था रेट वो बिल्कुल हाफ था, जबकि 10 ईयर्स के बाद दोनों का जो शेयर था उसमें 13% का इंक्रीमेंट हुआ है, लाइक इंक्लाइन हुआ है. नेक्स्ट उसके अलावा अगर मैं स्विट्जरलैंड की बात करूँ, ऑल्सो सेम ट्रेंड वॉज विटनेस्ड. ट्रेंड भी बोल सकते हो, पैटर्न भी बोल सकते हो. विटनेस्ड का मतलब होता है कि देखा गया है. एज द रेट ऑफ वर्किंग मैन इन 1995 वॉज 65% विच माउंटेड टू, माउंटेड का मतलब भी होता है बढ़ना, माउंटेड क्लिम्ड, जो बढ़ गया था 78 हो गया था. और अगर फीमेल की बात की जाए तो दिस क्लिम्ब वॉज फ्रॉम 56 to 68. अगर फीमेल की बात करें तो वो 56 से 68 हो गया था ओवर द डेकेड. डेकेड होता है 10 ईयर का टाइम पीरियड, तो 10 ईयर के टाइम पीरियड के बाद वो 56 से 68% हो गया था. मोर ओवर, जैसे मैंने बताया कि हर लाइन के बाद हम लोगों ने कनेक्टर यूज करना होता है, तो मोर ओवर जैसे मैंने यहाँ पे पहले बात की ऑस्ट्रेलिया की, अब मैंने की स्विट्जरलैंड की, अब मैं बात करूंगी आइसलैंड की, तो मोर ओवर 70% मैन जो आइसलैंड के थे वो एम्प्लॉयड थे 1995 में, वाइल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग फीमेल हेयर वॉज 30% लेस देन मैन. जबकि अगर 1995 की बात की जाए तो उस टाइम के जो फीमेल का एम्प्लॉयमेंट रेट था वो 30% लेस था, मतलब कि 70% मेन का हो गया था, उससे 30% लेस कॉमन सेंस है कि वो 40% होगा, तो 40% था. तो इसलिए हम लोग लाइन को एक वेरिएशन लाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि वो 30% लेस था मेन से. और अगर 2005 की बात की जाए तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन बोथ वॉज विटनेस, तो दोनों में एक सिग्निफिकेंट चेंज देखा गया था. तो कई बार आप डाटा थोड़ा सा जो है स्किप भी कर सकते हो ताकि आपकी जो वर्ड लिमिट है वो ज़्यादा एक्सीड ना जाए. सो, अब हम बात करेंगे BP2 के बारे में. सो, उससे पहले अगर आपको वीडियो सारा कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में येस लिख के आप मुझे ज़रूर बताइएगा. सो, चलिए BP2 स्टार्ट करते हैं. प्रॉबिंग अहेड, प्रॉबिंग अहेड हमारा इनिशिएटर होता है BP2 के लिए. यहाँ पे हम लोग ये भी लिखते हैं शिफ्टिंग टुवर्ड द रिमेनिंग डिटेल और मूविंग टुवर्ड द रिमेनिंग डिटेल. वो हम लोग तब लिखते हैं अगर हमारी वर्ड लिमिट जो है वो पूरी ना हो रही हो, बट हमारा यहाँ पे डाटा ज़्यादा गिवन है तो इसलिए हमने छोटा सा इनिशिएटर लिया प्रॉबिंग अहेड. देन लाइन है द डिफरेंस बिटवीन अर्निंग मेल एंड फीमेल सिटीजन इन UK इन 1995 वॉज लीस्ट अमंग ऑल द नेशन. अगर हम UK की बात करें तो जो मेल एंड फीमेल अर्न कर रहे थे उनका जो शेयर है, जो डिफरेंस है वो बहुत कम रहा है सारे नेशन के हिसाब से अगर बात की जाए. दैट वॉज जस्ट 4%, बट विद द पासेज ऑफ 10 ईयर इट जम्प टू 10%. जो कितना था, सिर्फ 4% था, मतलब मेल जितना अर्न कर रहे हैं और फीमेल जितना अर्न कर रहे हैं दोनों का डिफरेंस सिर्फ 4% का था. बट 10 सालों के बाद क्या हो गया, जैसे मान लो 2005 में क्या हुआ, जो उनका डिफरेंस था वो जंप कर गया 10%, मतलब मेल और फीमेल की जो अर्निंग थी उनमें 10% का डिफरेंस आ गया. ऑपोजिट टू इट, अगर हमने कोई चीज़ उसके ऑपोजिट बोलनी हो तो तब हम बोलते हैं ऑपोजिट टू इट, जहाँ हम बोलते हैं अपोजिंगली. इन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में क्या हुआ, द गैप ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय वॉज वाइडेस्ट. उनमें काफ़ी जो गैप था वो था, वाइडेस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गैप होना फीमेल और मेल के प्रोपोर्शन में. विद मैन एट 60, क्योंकि जो मैन की परसेंटेज थी जो एम्प्लॉयड थे वो 60 थी, वेमेन एट 25, और वेमेन की परसेंटेज कितनी थी 25. एम्प्लॉयमेंट रेट इन 1995, ये 1995 की बात हो रही है. अगर हम बात करें 2005 की, दिस शेयर रोज बोल सकते हो, हाइक बोल सकते हो, क्लेम्ड बोल सकते हो टू 70%. 2005 में जो ये शेयर था, परसेंटेज थी, वो क्लिम्ब हो गई, मतलब बढ़ गई, कहाँ पे तक पहुँच गई, 71% तक एंड 41% तक रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब 71% मेल का है और 41% फीमेल का है. रिस्पेक्टिवली हम लोग तब लगाते हैं कि जो पहले बात की गई है उसकी परसेंटेज इतनी है, जो बाद में बात की है उसकी परसेंटेज इतनी है. देन लास्टली, अब हमारे पास कंट्री बची USA. लास्टली हम लोग लिखते हैं अगर हमने कोई लास्ट पे बात करनी हो, तो अब इसके बाद हमारे पास कोई कंट्री नहीं बचती, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग लास्टली. लास्टली इन USA में क्या था, ऑल्सो मैन लीड वेल अहेड ऑफ वुमेन. लीड मतलब आगे जा रहे थे मैन वुमेन से इन वर्क फोर्स इन बोथ द गिवन ईयर. दोनों सालों में ही वर्क फोर्स होती है जॉब,
विथ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेट फ्रॉम 60 to 70%। किसके साथ? मतलब कि उनकी जो एम्प्लॉयमेंट रेट रेट थी उसमें भी ग्रोथ हुई थी। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 60 to 70% हो गया था इन केस ऑफ मैन, और 45 से हो गया था 62% इन केस ऑफ वुमेन। वुमेन के केस में भी उनमें इंक्रीज देखने को मिला था, जो 45 से 62% तक हो गया था। सो ऐसे करके आप लाइन्स में वेरिएशन ला सकते हो। जैसे आपने अभी देखा होगा वीडियो में, जितने भी कंट्रीज़ के बारे में बात की है, हर कंट्री का जो भी डाटा मेंशन किया है उनको लिखने का वे अलग है। 6 कंट्रीज़ हैं तो हमें 6 ही वेरिएशन चाहिए होंगी, तो वो हम लोग कैसे करते हैं हमारे ऊपर डिपेंड है। और एक वीडियो मैंने वेरिएशंस की भी पहले डाली हुई है, जो हमारा हाफ आवर का वीडियो था, उसमें मैंने सारा कुछ ब्रीफली डिस्कस किया था टास्क वन के बारे में। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आफ्टर दैट अगर आप वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से ज़्यादा समझ आएगा। सो, ये था हमारा आज का जो टास्क वन, जो कि था हमारा वर्टिकल बार ग्राफ। होप है कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और कमेंट बॉक्स में आप यस लिख के मुझे बताते हो, तो डेफिनेटली मैं राइटिंग पे और भी वीडियोस लेके आऊँगी और हर जो वो टाइप है उसको डिस्कस करूँगी ब्रीफली, ताकि आपको पता चल सके वेरिएशंस कैसे हो सकती हैं और हाउ यू कैन गेट 2.5 बैंड स्कोर आउट ऑफ 3 इन टास्क वन। क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम आप लोग 2.5 बैंड स्कोर कर सकते हो, और वो सिर्फ वेरिएशन के साथ ही पॉसिबल है। सो कीप इट इन योर माइंड एंड डू वर्क हार्ड to improve your writing, and thank you so much. Have a nice day.